Vasi and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. Special program में और आप सभी लोगों का न्यूट्रीचार्ज परिवार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों चलिए आज का दिन जो है हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि जो आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो हम सब लोग आज समझेंगे। साथियों देखिए, सबसे पहले हमें एक बात को समझना होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेन होते हैं, ऑर्गेन यानी आप जिसको बोलें कि हमारे शरीर के वो हिस्से जो अलग अलग तरह का काम करते हैं। आप जैसा जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना, अगर आपने कंप्यूटर को देखा होगा तो कंप्यूटर क्या करता है, वो सूचनाओं को प्रोसेस करता है। आप कभी भी आप जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर में डालते हैं तो वो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपके बीच में एक डेटा निकाल के लाता है। उसी तरीके का साथियों हमारा ब्रेन है, वो एक ऑर्गन है। उसी तरीके का हमारा हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है, दिल का काम होता है साथियों कि हमारे शरीर में खून को पंप करना, यानी आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है, आपकी रगों में बोला जाता है ना कि रगों में खून दौड़ रहा है, वो रगों में खून जो है वो आपका एक छोटा सा हिस्सा दिल वो आपके शरीर में पंप करता है, वो भी एक ऑर्गन है। आप लोग कई बार जो है वो बहुत सारे एक अंगों के नाम जानते हैं, लेकिन एक ऐसा अंग जिसको हम सब लोगों ने पूरे कभी भी समझने की कोशिश नहीं करी, लेकिन सबसे मेहनती और सबसे ज्यादा काम करने वाला अगर कोई हमारे शरीर का अंग है तो वो है साथियों लीवर। हम सब लोग हमेशा दिल की बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लीवर जो है, वो लीवर वो जो गैर वाला लीवर नहीं, ये लीवर मतलब हमारे शरीर का जो अंग हमारे जो इस वाले हिस्से में मौजूद रहता है, इसके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते, क्योंकि हमारे पास में हमेशा टॉपिक जो होता है कि हम आपको दिल से चाहते हैं, आज दिमाग काम नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं साथियों हमारे बोलचाल की भाषा में दिल और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। देखिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, लेकिन आपको जानकर ये बड़ी आश्चर्य होगा कि दिमाग जितना प्रोसेस इंफॉर्मेशन को करता है, दिल के पास एक ही काम है, यह ज्यादा से ज्यादा आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने, कुछ छोटे छोटे काम उसके पास में है। लेकिन आपका लीवर एक ऐसा अंग है साथियों की जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, और ये 500 से ज्यादा काम करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा हिस्सा अगर कोई है तो वो है आपका लीवर। तो साथियों आज से थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, क्योंकि एक ऐसा अंग है कि जिसके बारे में हमने न ज्यादा सोचने की कोशिश करी, न ज्यादा समझने की कोशिश करी, और हम जो है इसके ऊपर जितने जुल्म करते हैं, जुल्म इसलिए करते हैं कि आप जो भी खाना पीना खाते हो, देखिए मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया, खाना और पीना, और आप जानते हैं दुर्भाग्य से हमारे देश में खाने पीने की हम जब बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे आज हमारी जनरेशन, चाहे वो थोड़ी सी मीडियम का क्लास की है या जो है छोटे बच्चे हैं या यंगर जनरेशन है, वो खाने पीने में धीरे धीरे जिस प्रकार की लापरवाही बदरत रही है, आज जो स्ट्रीट फूड का चलन चल गया है, फास्ट फूड का चलन चल गया है, आज जो अल्कोहल की जो हैबिट लोगों को पड़ रही है, स्मोकिंग की हैबिट पड़ रही है, टोबैको की जो हैबिट पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में किस चीज के ऊपर प्रेशर डाल रही है, वो है आपका लीवर। तो साथियों आज समय आ गया है कि कहीं ना कहीं सबसे मजदूर, यानी बोलना चाहिए जो सबसे मेहनती अंग है हमारा, सबसे मजदूरी का काम करता है, दिन भर आपके शरीर के अंदर इतने सारे काम करता है लीवर, उसको थोड़ी सी इज्जत दें, उसको सम्मान दें जिसका वो हकदार है। हमने दिल को बहुत संभाल लिया, दिमाग को बहुत संभाल लिया, लेकिन अब समय आ गया है साथियों कि अपने लीवर को भी संभालें। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग अपनी आज की बातों में करेंगे। तो आपके बीच में जो प्रोडक्ट मैं लेके आ रहा हूं वो है हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज। और साथियों अब जो है आप अपनी बोलचाल की भाषा में ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है ना कि हम दिल से आपके साथ हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर दीजिए कि हम लीवर से आपके साथ हैं, क्योंकि ये लीवर जो है वो आपके शरीर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, इसका ध्यान रखिए। और उस आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंग के लिए न्यूट्रीचार्ज एक बहुत शानदार प्रोडक्ट लेके आया है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। साथियों थोड़ी सी आसान चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। न्यूट्रीचार्ज बायोएज आखिरकार क्या है? न्यूट्रीचार्ज बायोएज बायोएज जो है एक हेल्थ सप्लीमेंट है, और इसमें कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, जिसमें नेचुरल चीजें भी है, इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं, इसमें एंजाइम्स भी हैं, इसमें काफी सारी चीज जो है मिली हुई है, जो मिलके एक इसको कंप्लीट प्रोडक्ट बनाती है। और फिर वही बात आपको बोलूंगा साथियों, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपने सिस्टम के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, हमारी कंपनी पे हमें गर्व होना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज पे आपको गर्व होना चाहिए। साथियों हम आपको बारंबार बोलते हैं कि आपको हमारे प्रोडक्ट के कॉम्पिटिशन में
इंग्रेडिएंट की आप तुलना कर लीजिए, उसके जितने काउंट हैं, आपको न्यूट्रीचार्ज मैन की अगर आप बात करते हैं तो पता चलता है कि उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट डले हुए हैं जो मार्केट के किसी प्रोडक्ट में नहीं है। आज आप न्यूट्रीचार्ज बायोवेज जिसके बारे में जान रहे हैं, मैं आपको पूरे भरोसे और चैलेंज के साथ ही बोल सकता हूं कि इतना उत्तम और शानदार प्रोडक्ट आपको किसी कंपनी के पास नहीं मिलेगा। लोग एक एक दो दो इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट निकाल देते हैं, न्यूट्रीचार्ज बायोवेज में तो पूरे के पूरे 72, यानी अगर मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट की अगर ट्रेनिंग देने जाऊं तो मुझे अगर एक इंग्रेडिएंट पे एक घंटा बोलना पड़े तो 72 घंटे की ट्रेनिंग सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट की मिल सकती है। लेकिन चिंता मत करिए, आज जो मुझे समय की मर्यादा दी गई है मैं उसका फॉलो करूंगा। और साथियों लीवर जो है आप ध्यान रखिए, थोड़ी थोड़ी बातों को नोट करते जाइए, समझते जाइए और इसका इस्तेमाल करने के तरीकों को भी समझिए। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, 500 से ज्यादा जरूरी कार्य करता है, तो इस बात को आप सब लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर लीवर पे किसी चीज का पड़ता है तो वो साथियों हमारी जान की सबसे बड़ी दुश्मन, हमारे देश का दुर्भाग्य या जिसको बोल लीजिए लोगों का शोक, और वो है अल्कोहल। और साथियों जितने लोग ड्रिंक करते हैं, और ऑफिशियल आंकड़ा ये बोलता है कि रोजाना हमारे देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग ड्रिंक रोजाना करते हैं, रोज पीते हैं, यानी आप सोचिए कि कितना बड़ा ग्राहक वर्ग हमारा इस प्रोडक्ट का उपयोग रोजाना कर सकता है। 18 करोड़ लोग अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लग जाएं तो कितना बेहतर हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति। देखिए प्रयास हम जरूर करते हैं कि लोग छोड़ें, लेकिन कई आप जानते हैं कि लोग टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, ये एक ऐसे व्यसन है जिसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि उससे होने वाले नुकसान को कम से कम हम लोग प्रयास करके कम कर सकते हैं। सबसे मेहनती अंग है लीवर, ये सब लोगों को ध्यान रखना है। 500 से ज्यादा काम इसके हिस्से में आए हुए हैं। और साथियों आप सब लोगों के बीच में 72 पोषक तत्वों वाला एक प्रोडक्ट जो मौजूद है वो है न्यूट्रीचार्ज बायोवेज। ये क्या काम करता है, क्या चीजें इसमें उपलब्ध है, आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। साथियों इसमें 53 तरह के बायोग्रीन्स हैं। बायोग्रीन्स का क्या लाभ होता है ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। इसमें 16 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और इसमें साथ में आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं 10 बिलियन से ज्यादा। अब ये जितने नाम आप सुन रहे हैं आपको ये बड़े भारी भारी लगेंगे, लेकिन अगर आपने आज का प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो आप सब लोगों को ये बहुत आसान सी भाषा में ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि लीवर काम क्या करता है। लीवर का जो काम है मेजर हमारे शरीर में, वो काम ये है कि ये करता है आपके शरीर के जरूरी पोषक तत्वों का संचय। संचय करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक क्या करती है, आपके पैसे को आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रखती है और जब जरूरत पड़ती है तो आप उसमें से डिपॉजिट में से पैसा निकालते हैं। उसी तरीके से साथियों आपके शरीर में लीवर जो होता है ये स्टोरेज करता है पोषक तत्वों की मात्रा को और ये जरूरत पड़ने के साथ उनको समय समय पर छोड़ता रहता है। दूसरी चीज जो होती है साथियों आपके शरीर में, देखिए कोलेस्ट्रॉल के मामले में आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको आप नेगेटिव समझते हैं, लेकिन साथियों ये लीवर जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस भी बना के चलता है, ब्लड शुगर का बैलेंस बना के चलता है। वो जरूरी नहीं कि हर कोलेस्ट्रॉल खराब हो, कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी भी है लेकिन निर्धारित मात्रा में जरूरी है। और आपका शरीर का लीवर ये जो अंग है ये उसका बैलेंस बनाने का बहुत जरूरी काम करता है। इसलिए जितना आपका लीवर हेल्दी रहेगा कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट, आपका ब्लड शुगर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा एक और काम आपका लीवर करता है वो है टॉक्सिक को बाहर निकालना। देखिए आप सही बार जो है ना जो बातों को सुनते हैं कि सब हमें शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए, डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ, जो भी आपके शरीर में विषैले तत्व जा रहे हैं, चाहे वो आप पानी पीते हो उससे, चाहे वो हवा आप लेते हो जो सांस लेते हो उससे, धुआं आप बाहर निकलते हो धुएं से, या आपके खान पान से जो विषैले तत्व जाते हैं उसको लीवर जो है अपने शरीर में से बाहर निकालने का काम करता है। और साथियों ये काम करता है आपके शरीर में बाइल जूस का उत्पादन करना, ताकि आपका जो फैट है वो आसानी से पचे और उसमें से जो ए डी ई और विटामिन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होने के लिए उनको मदद मिल सके। तो ये सब काम जो है वो आपके लीवर करता है। जितने आपके शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, यानी आपके शरीर को देखिए प्रोटीन आप जब लेते हैं तो वो अंदर जाके जो ब्रेकअप होता है उसको ब्रेकअप करने का काम भी जो है वो आपका लीवर करता है। और साथियों जैसा मैंने आपको बताया कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, आपके शरीर को के अंदर के पोषक तत्वों का संचय करना, ये सारा काम आपके शरीर का ये महत्वपूर्ण काम करता है लीवर। और इसीलिए साथियों आप सब लोग समझिए कि देखिए हम अपने घर को किस तरीके से रोज साफ रखते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे परिवार के लोग, चूंकि साधारण हम घरों में जो हम लोग रहते हैं हम सारे लोग मिडिल क्लास के लोग, तो हम जब अपने घरों में जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया दोहराई जाती है, हम घर को थोड़ा साफ करते हैं, किचन को साफ करते हैं। तो साथियों ऐसा कभी हुआ है कि हमने
साफ सफाई की प्रक्रिया को महीने में एक बार किया, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। हम रोज घर को साफ करते हैं। तो साथियों, क्या जरूरी है कि हम अपने शरीर को भी रोजाना साफ करें? आप कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हम डिटॉक्स कैंप में जाके आ रहे हैं, सर 4 दिन का कैंप है, उसमें शरीर में से विषैले तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है। साथियों, तो हमें विषैले तत्वों को लेके घूमना ही क्यों? भाई आप अपने शरीर में कचरा रखोगे क्या, या अपने घर के अंदर कचरा रखोगे क्या? साथियों, कचरे को हम रोज साफ करते हैं, घर के अंदर का जो झाड़ू से बुहारी जिसको बोलते हैं वो क्लीन करने का काम करते हैं, तो हमारे शरीर में विषैले तत्व क्यों जमा होने थे? रोज हमें डिटॉक्स करना है, रोज हमें स्वस्थ रखना है, और जब शरीर में विषैले तत्व नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारी का रोल कम होता जाएगा। इसलिए साथियों, डिटॉक्स कैंप में नहीं, रोजाना की ये प्रक्रिया है जिसको रोज आपको फॉलो करना है। शरीर में से विषैले तत्व हटाइए ताकि शरीर जो है लीवर के माध्यम से आपको जो है वो आपके भोजन के द्वारा या पानी के द्वारा जो आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है वो सारा काम आपका लीवर करता है। और साथियों देखिए, कई बार क्या होता है, जो लीवर है ना ये रीजनरेट होता है। रीजनरेट एक अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी अनुवाद होता है पुनर्निर्माण करना। आपने कई बार देखा होगा लीवर थोड़ा सा भी डैमेज होगा ना तो ये मेहनत करता रहता है अपने आप को रीगेन करने की। और रीगेन करने के कारण कई बार ऐसा होता है साथियों कि हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये 75% भी डैमेज हो जाता है तब भी काम करता रहता है। और आप सारे लोग जानते हैं साथियों कि जब आपके शरीर का कोई अंग अगर डैमेज है और फिर भी काम कर रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही कारण होता है कि लीवर की परेशानियां लंबे समय बाद पता चलती है, क्योंकि ये बिना बताए, बिना थके, बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने काम में मशगूल होता है। और यही हमें साथियों लीवर से सीखना चाहिए। 500 काम करना, मेहनत के साथ दिन भर लगे रहना, कितनी भी नेगेटिविटी हो उसको साफ करना, ये हमारे जीवन का भी एक हिस्सा है। कि कितना महत्वपूर्ण अंग है ये, जिससे हमें भी सीख लेना चाहिए। चुपचाप बैठ के शांति से काम करता है, बिना हल्ले के काम करता है, और हमारे जीवन को कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, वही हमें अपने जीवन में सीख लेनी है लीवर से, कि ये हमारे अंग का हिस्सा है लेकिन काम कितने करता है। वही हमें करना है, बिना किसी को डिस्टर्ब किए मेहनत करते रहना, लगातार करते रहना, टॉक्सिन को बाहर निकालना, अपने अपने आप को फिट रखना। उसी तरीके से साथियों लीवर को समझिए। और ये आप सारे लोग जानते हैं कि शराब का सेवन, बहुत सारे लोग जो रोजाना ड्रिंक करते हैं वो हमारे सही ग्राहक हैं, और वो लोग जो स्पेशली बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ट्रेवलिंग में रहते हैं, वो भी हमारे ग्राहक हैं। तो आप सब लोगों में से जो लोग अगर दुर्भाग्य से किसी को जानते हैं कि वो अगर ड्रिंक ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए लीवर के लिए न्यूट्रीचल बायो जो है वरदान है। और यही कारण है साथियों कि आप लंबे समय बाद आपको पता चलेगा कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि लीवर लगातार काम करता रहता है। इसलिए साथियों, लीवर फेल्योर हो उसके पहले हम अपने आप को सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं, और अगर प्रभावी समाधान नहीं करें तो हम लोग गंभीर नुकसान उसके भुगत सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है साथियों, छोटी छोटी चीजें आपको पता चलेगी, जैसे आपको किसी कारण से अगर भूख कम हो गई है तो वो भी एक रीजन है आपके लीवर का डैमेज होने का। इसलिए कहीं पर भी अगर आपको भूख कम होते लगे तो जरूरी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार भूख कम क्यों हो रही है। वो लगातार अगर कम हो रही है इसका मतलब लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या आप लगातार थके हुए बने रहते हैं, आपकी काम करने की एनर्जी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है, आपके अंदर वो उत्साह नहीं बना हुआ है, तो समझिए कि आपका लीवर डैमेज या नुकसान में पड़ चुका है। या कोई ऐसा कारण जैसे आपको बार बार वॉमिटिंग आना, बार बार जी मचलाना, बार बार जो आपको जैसे आप जो है आपको डायरिया होना, यानी बार बार आपको वॉशरूम जाना, आपको बार बार पेट डिस्टर्ब होना, ये सब अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लीवर आपको समझ लीजिए कि वो अपनी जो है पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो तकलीफ में आ चुका है। और सही यही समय है साथियों कि हम अपने आप को सतर्क होके अपने आप को अलर्ट करें और अपने इस महत्वपूर्ण अंग को बचाने की प्रक्रिया में जरूर लगे। एक और बात है साथियों, एक होती है बायोलॉजिकल एज और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। भाई किसी ने अगर आपसे पूछा कि सर आप कितने वर्ष के हैं, तो आप कई बार बताते हैं कि सर मैं 40 साल का हूं, मैं 50 साल का हूं, मैं 55 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं। ये क्या हुई? क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आपकी वय गिनते समय जो संख्या बताई जाती है उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। यानी आप 50 साल के हैं तो 50 साल क्रोनोलॉजिकल एज है आपकी। लेकिन साथियों कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कई बार कोई प्रोग्राम में गए, आप किसी शादी फंक्शन में गए, किसी से मिलने गए, और आपको किसी ने बोला अरे यार क्या बात है यार आप तो बड़े युवा और फिट लग रहे हो, तब आपको एहसास होता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया।
अरे सर आप तो 50 के लगते ही नहीं हो, आप तो 40 के लगते ही नहीं हो, आप तो 30 के लगते ही नहीं हो, आप तो 60 के नहीं लगते हो। कई लोग जो आपने देखा होगा साथियों, 70, 75, 80 साल की उम्र में इतने बिल्कुल मेंटेन होकर काम करते हैं, उम्र के नहीं लगते। उसका कारण है कि उनकी बायोलॉजिकल एज उनकी उम्र से कम होती है। जिन्हें अगर है, उम्र तो 50 साल है लेकिन बायोलॉजिकल एज उनकी कम दिखती है। और उसका कारण है कि अगर हमारे शरीर के सारे अंग सही तरीके से काम करें तो हम युवा रह सकते हैं। और साथियों, मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या हम सारे लोग मिलकर अपने आप को युवा और फिट नहीं बनाना चाहेंगे, जोश भरे नहीं बनाना चाहेंगे? उसके लिए जरूरी है साथियों, कितने भी अरे 100 साल के हो जाइए, थोड़ा लगिए युवा, थोड़ा जवान बने रहिए। वही तो हमारे सिस्टम की ताकत है, वही तो हम सब लोगों को करना है। और अगर हमारी सारी प्रणाली सही काम करेगी, और युवा होने का मतलब ये नहीं है साथियों, जवान होने को हम लोग गलत तरीके से समझते हैं। अपने आप को सक्रिय रूप से आप देखिए, आप जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग देखेंगे 75 साल 80 साल की उम्र में एक्टिव रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन एक्टिव रहते हैं। आप हमारी कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स को देख लीजिए, आदरणीय टीसी सर को देखिए, आदरणीय बीसी सर को देखिए, कि जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं उस उम्र में कितना काम ये लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एज को मेंटेन करके रखा है। और वही काम हम सब लोगों को मिलकर करना है साथियों। और अगर आप पोषण का सही, आपका लीवर डैमेज रहेगा, आप पोषण का सही ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप अपनी उम्र से अधिक बूढ़े लगने लग जाएंगे। और यही कारण है साथियों कि हम सब लोगों को मिलकर न्यूट्रीचार्ज बायोएज का इस्तेमाल करना है, अपने आप को युवा और फिट बनाने के लिए, अपने लीवर को बचाने के लिए, अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग को बचा के रखने के लिए हमें जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज का इस्तेमाल करना चाहिए। एक एडवांस फार्मूला है साथियों, एडवांस फार्मूला 72 हर्बल पोषक तत्वों के साथ बना हुआ साइंटिफिकली एडवांस फार्मूला है, बेहतर ढंग से काम करेगा, लगातार काम करेगा। 72 तरीके इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जिसमें बायोग्रीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोबायोटिक हैं, प्रीबायोटिक हैं। अब यहां पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं साथियों कि ये सारे जो होते हैं 72 इंग्रेडिएंट, ये क्या क्या काम करते हैं। ये काम करते हैं आपकी लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाने का। यानी आप उन सभी लोगों को, जो लोग एल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं या बाहर का खाना पीना खाते हैं या किसी कारण से उनके पेट में या तकलीफ रहती है, उन सारे लोगों को, और जो भी लोग अपने आप को जिंदगी भर फिट रखना चाहते हैं, वो लोग भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये आपको एकदम फिट और युवा बनाने में, आपके लीवर को सटीक रखने में मदद करेगा। जिनका पाचन डिस्टर्ब रहता है उन लोगों के लिए बहुत फायदे का है। और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, यानी आपके शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए ये बहुत काम करेगा। तो साथियों, हम तीन चीजों को यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आप सारे लोग अगर इस बात को समझेंगे, पहला काम जो न्यूट्रीचार्ज बायोएज करता है, वो पहला काम करता है लीवर को रिचार्ज करने का। यानी इसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट डले हैं बॉटनिकल्स, और वो बॉटनिकल्स मिलके आपके लीवर को रिचार्ज करने का काम करते हैं। तो आप सारे लोग ध्यान रखिए, पहला काम न्यूट्रीचार्ज बायोएज का जो है वो लीवर को एक्टिव रखना, रिचार्ज करना, और आपके लीवर की क्षति को रोकना। तो ये सारा वर्ड टू वर्ड आप ध्यान रखिए, आपको ये बात याद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बॉटनिकल्स डले हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको नामों के द्वारा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन साथियों 53 बायोग्रीन्स डले हैं एक टेबलेट के अंदर। आपको आश्चर्य होगा कि इसके अंदर कितनी अच्छी चीजें डली गई है। आंतों का स्वास्थ्य रखना, यानी देखिए साथियों, आंत मतलब क्या होती है, इंटेस्टाइन। आपकी आंतों में जहां भोजन का पाचन होता है, ये कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आप बच्चों के उसमें, आपने जब डब्बा देखते हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स का, उसमें आपको दिखाई देता है FOS, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। ये क्या होते हैं, ये आपकी आंतों में एक अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, ताकि आपके बच्चे की आंत स्वस्थ रहे, उसको पेट में तकलीफ ना रहे। वही हमने बड़ों के प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज बायोएज में डाला है। और इसमें साथियों जो बॉटनिकल्स और प्रीबायोटिक्स हैं, जैसे इसमें लैक्टोबेसिलस जो होता है, ये आपके आंतों के अंदर स्वस्थ वातावरण को निर्मित करता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आपको पेट की तकलीफ कम आती है। इसे साथियों, आप कभी भी इस प्रोडक्ट के ऊपर कभी देखेंगे, तो आप अगर बहुत सारे बॉटनिकल्स के नाम के साथ अगर इसमें आप अगर देख रहे हो कि इसमें आपको प्रीबायोटिक बायोटिक मिल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये आपकी आंतों के स्वास्थ्य रक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और तीसरा काम आपके शरीर को जो करेगा, वो करेगा डिटॉक्स करने का, यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालने का। तो देखिए, तीन महत्वपूर्ण चीजों को याद रखिए, लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज याद रखिए,
आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों के और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और तीसरा काम ये शरीर में जो करता है वो डिटॉक्स करने का करता है, यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालने का करता है। तो साथियों ये तीनों काम ये अलग अलग तरीके से करता है, और आप इसमें देख सकते हैं कि जो बोटानिकल्स डले हैं रक्त शोधक है, आपके शरीर के खून को साफ करेंगे और साथ साथ में आंतों का स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे और आपकी लीवर की रक्षा भी करेंगे। तो साथियों दो देखिए, कभी भी आप इस न्यूट्रीचार्ज बायोवेज की टेबलेट देखेंगे ना, ये दो रंग में है, बायलेयर्ड है। पहला जो है इसमें नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें आपको एंजाइम्स और प्रीबायोटिक्स है, और जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसमें मिलते हैं आपको लाभकारी बोटानिकल्स। यानी एक ही टेबलेट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट, आपको टेबलेट का कलर अलग दिखेगा, आप समझ जाइए कि इसमें अलग अलग चीजों का समावेश किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य को बेहतर मिल सके, बेहतर फायदा मिल सके। और कौन लोगों को लेना चाहिए? जो लोग मदिरा पान ज्यादा करते हैं, तंबाकू ज्यादा खाते हैं, धूम्रपान यानी सिगरेट पीते हैं, या जिनकी आयु थोड़ी ज्यादा है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा साथियों, जो भी आप में से अपने आप को फिट रखना चाहता है वो सारे लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और विशेष करके वो लोग जरूर कीजिए जो एल्कोहल का या मदिरा का सेवन करते हैं, या जिनको बार बार डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम आती है। कब तक लेना है? आप कम से कम 3 महीने इसका इस्तेमाल करें, और अगर आपको सूट कर रहा है और आपको बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं तो आप इसको लंबे समय तक भी लेंगे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसके बेहतर रिजल्ट के लिए कम से कम 3 महीने आपको लगातार उपयोग करना है। लेना कैसे है? आप इसको रात में ले सकते हैं, खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद ले सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिन में खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं तो वो भी हम आपको इसमें कोई ऐसी मनाही नहीं है। रात को लेंगे तो आपका सिस्टम जो है रात में आराम से अपने आप को रिपेयर करेगा। जिस टाइम आप आराम कर रहे होंगे तो आपका सिस्टम आपके रिपेयर करने का काम कर रहा होगा, तो आप ये टेबलेट को जरूर लीजिए। और साथियों इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा जो इसमें इंग्रेडिएंट डला है ये याद रखिए, मिल्क थिसल। ये बहुत बड़ा अपने आप में पोषक तत्व है जो लीवर के समस्याओं के इलाज में कई सालों से जो है उपयोग किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। मिल्क थिसल ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, हर किसी इंग्रेडिएंट को मैं बताना यहाँ पे थोड़ा सा समय की मर्यादा के कारण मुश्किल है, लेकिन आप सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनको एक कम से कम एक दो चीजें याद रखें, जैसे कि मिल्क थिसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न केवल आपके लीवर की सूजन को कम करता है और विषैले तत्वों को भी बाहर निकालता है। ये विषैले जो मिल्क थिसल का रोल है, डेंडेलियन एक बहुत लीवर के लिए जो आपके मतलब डायरेटिक यानी जिनको बोल सकते हैं ना, कई बार जैसे यूरिन वगैरह का प्रॉब्लम आता है तो ये डेंडोलियन जो है ये बहुत काम का है इसमें साथियों। और आपके शरीर को डाइजेस्टिव एंजाइम इतने सारे मिलते हैं, आप ये एक एक एंजाइम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो अपने आप में ये बहुत बड़ा विषय है। और इसमें है 10 बिलियन प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, यानी ये आपके आंतों के फ्रेंडली बैक्टीरिया है। हर बैक्टीरिया खराब नहीं होता, हर कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता, उसी तरीके से साथियों हर बैक्टीरिया जो है वो कुछ अच्छे भी होते हैं, और तो आपकी आंतों के स्वास्थ्य के लिए इसमें जो है आपको मिलता है 10 बिलियन जो है प्रीबायोटिक। तो साथियों न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक शानदार प्रोडक्ट है आपकी लीवर की सेहत को बनाने के लिए, और ध्यान रखिए लीवर 500 से ज्यादा कार्य कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल निश्चित होकर अपने लीवर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, और उन लोगों को जिनको आप जानते हैं जो लोग किसी भी रीजन से प्रयास कीजिए कि वो लोग कम करें, लेकिन अगर आपके जानकार लोग या आपके परिवार में, हालांकि आरसीएम बिजनेस में जो लोग कार्यरत हैं वो लोग इस प्रकार के किसी भी जो है गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा मदिरा पीने वाले, ज्यादा एल्कोहल के अलावा जो लोग स्मोकिंग और जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं या जो लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है उनको बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करवा सकते हैं, और आप भी अपनी बायोलॉजिकल एज को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को फिट और युवा रखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों एक टेबलेट रोजाना लेना है ताकि आप सब लोग इसका बेहतर ढंग से उपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सके। तो साथियों जो है मुझे समय की जो मर्यादा दी गई थी, मैंने उस समय की मर्यादा में अपने पॉइंट को पूरा करने का प्रयास किया है। धन्यवाद आप सब लोगों का, आज आपने ध्यान से सुना। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.